जम्मू कश्मीर के शोपियां में मंगलवार को सुरक्षा बलों के हाथ बड़ी कामयाबी लगी। सुरक्षा बलों ने दो आतंकियों को मार गिराने में सफलता हासिल की है। इसके साथ ही इलाके में तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। मिली जानकारी के अनुसार शोपियां के कुटपोरा इलाके में आतंकियों के छिपे होने की सूचना मिली थी। इसके बाद पुलिस, सेना की 34 RR और CRPF की संयुक्त टीम ने तलाशी अभियान चलाया। आतंकियों ने खुद को घेरा देख सुरक्षा बलों पर फायरिंग शुरू कर दी। सुरक्षा बलों ने भी जवाबी कार्रवाई में इस दौरान दो आतंकियों को मार गिराया है। हालांकि मारे गए आतंकियों की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। पुलिस के एक अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि इन आतंकियों को पहले आत्मसमर्पण का मौका दिया गया था, लेकिन उन्होंने ऐसा करने से इनकार कर दिया। वहीं कश्मीर घाटी से सटे LOC पर उस वक्त पाकिस्तान में बने आतंकियों ने लॉन्चिंग पैड फिर से सक्रिय हो गए हैं। करीब 300 आतंकी घुसपैठ की फिराक में हैं। भारतीय खुफिया एजेंसियों से मिले ताजा इनपुट की माने तो पाकिस्तान में बैठे आकाओं ने अपने आतंकी कमांडरों को निर्देश जारी किया है कि बर्फबारी के चलते इन्फिल्ट्रेशन पासेस बंद होने के कारण आतंकियों को घाटी में धकेलने की कोशिशों में तेजी लाई जाए। BSF के ADJ सुरविंदर पवार का कहना है कि इनपुट के आधार पर वर्तमान में करीब 250 से 300 आतंकी लॉन्चिंग पैड्स पर घुसपैठी की फिराक में तैयार बैठे हैं, लेकिन आतंकियों की हर हरकत पर LOC पर सेना पर तैनात जवान और BSF ने पूरी नजर बनाई हुई है। इसी का नतीजा है इस साल कई आतंकी घुसपैठ की कोशिशों को नाकाम किया गया है। ADJ के माने तो इस साल LOC पर काफी सतर्कता बढ़ती गई है। बीते साल करीब 140 आतंकी घुसपैठ करने में सफल हुए थे। इस बार कुल 25 आतंकी अब तक घुसपैठ करने में सफल हुए हैं। उन्होंने कहा कि हम हमेशा अपने काउंटर इंटरफिल्ट्रेशन ग्रिड में बदलाव और सुधार समय समय पर लाते रहे हैं। जब भी हमें कोई फीडबैक मिलता है तो भी कई कमियां नजर आती है, उसी के आधार पर ग्रिड में सुधार लाया जाता है और यह सामान्य प्रक्रिया है जो समय समय पर चलती रहती है।